अब जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर आना था और वो नहीं आया, और उस ट्रेलर की जो रिलीजिंग डेट है आम ऑडियंस के लिए उसको डिले कर दिया गया है। और उसकी मोस्ट वजह यही हो सकती है कि एवेंजर 4 का ट्रेलर आया है, फिर कैप्टन मार्वल का ट्रेलर आया है, तो वो चाहते थे कि वो शायद उसके अंडर शैडो ना चला जाए, तो इसलिए उन्होंने उसको डिले कर दिया। लेकिन ब्राज़ील के कॉमिकॉन में उसका ट्रेलर दिखाया गया है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी लीक हो चुकी है, तो मैं आज आप लोगों के साथ उस डिस्क्रिप्शन को शेयर करने वाला हूँ। ट्रेलर का आगाज पीटर पार्कर और एंट मे से होता है, जो कि एक जगह पर मौजूद हैं। वहाँ पर हैप्पी हॉगन भी आता है, जो कि एंट मे के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो पीटर ये देखकर उसको एक हल्की सी लुक देता है कि यार ये तू क्या कर रहा है मोटे, अपनी सेहत देख और उसकी सेहत देख, बच्ची की जान लेगा क्या। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि पीटर अपने क्लासमेट्स के साथ यूरोप के ट्रिप पर जा रहा है, और जाने से पहले वो अपने कपड़े पैक कर रहा होता है, तो उसको स्पाइडरमैन का सूट नज़र आता है। तो वो उस स्पाइडरमैन के सूट को देखकर उसको बंद कर देता है और कहता है कि आज नहीं, मैं कुछ ब्रेक लेना चाहता हूँ इससे। क्योंकि डिटेल्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अवेंजर्स 4 के बाद की है, तो इतने बड़े इवेंट के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता होगा, तो इसलिए वो अपना सूट वहीं पर रखे जा रहा है। तो इसके बाद वो वादियाँ देखने के लिए इटली वेनिस जाते हैं, जहाँ पर एमजे और पीटर के दरमियान भी थोड़ा सा रोमांस दिखाते हैं वो लोग। खैर, पूरी सैर वगैरह करने के बाद, घूमने घुमाने के बाद, वो अपने होटल रूम में जाते हैं आराम करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन पर कोई अटैक करता है, और पता लगता है कि उन पर अटैक करने वाला निक फ्यूरी है, जो कि पीटर के लिए एक मिशन लेकर आया है। और वहाँ पर वो उसे काफ़ी सारे सूट भी ऑफर करता है नए, जिसमें नॉयर सूट यानी कि ब्लैक जो सूट है वो भी उसमें होता है, और क्लासिकल स्पाइडरमैन सूट यानी कि जो उसका पुराना रेड कलर का सूट था वो भी होता है उसमें। इसके बाद कुछ एक्शन सीक्वेंस हैं, और लंडन ब्रिज पर धमाके वगैरह दिखाते हैं, और तो कुछ तबाही दिखाते हैं, और पानी में से हाइड्रोमैन निकलकर स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, और वो उसका काम ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टीरियो आकर स्पाइडरमैन की हेल्प करता है, और वो दोनों मिलकर हाइड्रोमैन को हराते हैं। और ये बात काफ़ी शॉकिंग है कि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि मिस्टीरियो यहाँ पर विलन होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेलर से ये पता चल रहा है कि वो उसका साथ दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो विलन है, स्पाइडरमैन को तो नहीं पता ना। और ये भी पता चला है कि जो है मिस्टीरियो वो भी शील्ड के लिए काम किया करता था, और निक फ्यूरी ने उसे भी किसी मिशन पर भेजा हुआ था। लेकिन जितना मुझे लगता है कि वो किसी मकसद के लिए उसकी मदद कर रहा है, यानी कि कुछ रिट्रीव करना चाहता है इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है, बाद में वो उसको धोखा देकर विलन बन जाएगा, और एंड पर मेरे ख्याल से फाइट इन्हीं दोनों के दरमियान होगी। और यकीनन आपने ये बात भी सुनी होगी कि इस मूवी में एक से ज़्यादा विलन है, तो मिस्टीरियो तो एक विलन है ही है, हाइड्रोमैन भी हो गया, तो इसके अलावा भी 2-3 विलन और हैं, जिनको मोस्टली आप PS4 का जो स्पाइडरमैन की गेम आई है उसमें शायद देख चुके हों। तो इसके बाद जब मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन मिलकर हाइड्रोमैन को हराते हैं, तो वहां पर ट्रेलर एंड हो जाता है। तो ये थी वो लीक्ड डिस्क्रिप्शन जो कि ब्राज़ील के कॉमिकॉन से निकली है स्पाइडरमैन के ट्रेलर के हवाले से। तो अगर आपके दोस्त वगैरह को किसी को इस डिटेल का नहीं पता, तो आप लोग उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।